Dear children, welcome to second module. Next one, आज्ञावाचक वाक्य, यानी इसको विधि सूचक वाक्य भी कहलाता है. ओके, जिस वाक्य द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, यानी प्रार्थना की जाती है, यह है आज्ञावाचक वाक्य. प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का मतलब है रिक्वेस्ट. तो जिस वाक्य से किसी आज्ञा या प्रार्थना की सूचना मिलती है, यह है आज्ञावाचक वाक्य. उदाहरण देखिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखे. ओके, नेक्स्ट वन, इच्छावाचक वाक्य. जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं. भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो, यह इच्छावाचक वाक्य. ओके, नेक्स्ट वन और सातवां, संकेतवाचक वाक्य. जिन वाक्यों में किसी संकेत यानी इशारा का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है, इस प्रकार का इशारा दिया जाता है यहाँ. ओके, लास्ट वन, संदेहवाचक वाक्य. जिन वाक्यों में किसी शंका का यानी संदेह का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहता है. उदाहरण देखिए, क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया. लेकिन बच्चों देखिए, यहाँ प्रश्न चिन्ह भी आ रहा है और क्या शब्द का प्रयोग भी किया है, लेकिन यह प्रश्नवाचक वाचक वाक्य नहीं है. यह हम संदेह के बारे में बताते हैं, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य कहते हैं. ओके, तो यह है आठ वाक्य के भेद. अर्थ के आधार पर वाक्यों के आठ भेद ये है. ओके, अच्छा बच्चा, धन्यवाद.